अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त ज़ुल्फ़िकार अली समय, जो आप देख रहे हैं ज़ुल्फ़िकार SK व्लॉगर। जी हां, आज हम बनाएंगे कश्मीरी चिकन, जो कि हम 1 kg चिकन की बनाएंगे। तो इसमें हमने शॉर्टकट गाइड करेंगे, इंशाल्लाह लंबी ज़्यादा वीडियो नहीं करेंगे। तो बहुत बेहतरीन रेसिपी बनी है इंशाल्लाह, घर में भी आप आसानी से बना सकते हैं, नया बंदे के लिए भी बहुत आसानी से। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने लेना है पतीला, उसमें आपने खड़े मसाले डालने हैं। इसमें ये देख सकते हैं, इसमें लौंग है, काली मिर्च है, 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची। और इसके बाद हमने इसमें मीडियम साइज़ का प्याज इसमें ऐड किया है और इसको हमने ब्राउन करना है इस तरीके से। ये देखने आपने इसको चम्मच चलाते रहना ताकि ये जले नहीं। और इसमें हमने टेबल स्पून 2 इसमें ऐड किए हमने लहसुन अदरक के। उसके बाद इस तरीके आपने काटने टमाटर, इस तरीके से ऐड करने टमाटर। टमाटर जो है वो पतले पतले आपने काटने हैं, क्योंकि पतले जो टमाटर होते हैं वो जल्दी गल जाते हैं। ये देखें ना, 2-3 मिनट आप पकाएंगे तो माशाल्लाह जल्दी से पक जाते हैं। इस तरीके से ये बनाई करनी है। उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है हल्दी, 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको हल्दी को हमने 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। और उसके बाद हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने लेने हैं ये, इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड किया है। और उसके बाद हमने गरम मसाला, कश्मीरी मिर्च, काली मिर्च और धनिया पाउडर, ये 4 मसाले आपने 1 टीस्पून इसमें ऐड करना है। कश्मीरी मिर्च बहुत ज़रूरी है, और इस क्योंकि ये चिकन कश्मीरी हम बना रहे हैं तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद हमने इसमें ऐड किया है 1 kg चिकन, और चिकन को हमने थोड़ी देर बनाई करनी है अच्छी तरीके से। और इसमें हमने ऐड किया है नमक 1 टीस्पून। ये देखें, आपने भुनाई इसकी टाइट करनी है। उसके बाद हम ऐड करेंगे दही, 1 पाव ऐड किया हमने। और दही ऐड करने के बाद आपने इसकी आंच थोड़ी फुल करनी है, और उसके बाद इसकी चम्मच हिलाते रहना, चम्मच रोकना नहीं है ताकि हमारे दही फटे नहीं। दही फट गई तो पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी आपकी। और दही ऐड करने के बाद जब आपको लगे कि चिकन हमारी पक रही है, उसके बाद हमने इसमें ऐड करनी है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची पहले नहीं ऐड करनी है। और इसमें छोटी मलेर की मिर्ची ऐड की हमने, हरी 6। और उसके बाद हमने धनिया ऐड किया। तो धनिया ऐड करने के बाद जो खुशबू और मज़ा जो आता है ना, अलग होता है भाई, पूरे किचन में फैल जाता है। और उसके बाद आपने तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करनी है। भुनाई जो है ना आखिरी, वो बेहतरीन आपने करनी है ताकि इसका तेल भी ऊपर आ जाए और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाए। बहुत मज़ा आने वाला है, काफ़ी हमारी बनाई हो चुकी है। देखें अभी इसको हम करेंगे डिश आउट। सबसे पहले हमने इसमें निकालना है लेग पीस, ताकि लेग पीस टूटना नहीं चाहिए। अगर आप मेहमान के आगे सर्व कर रहे हैं तो वो टूटा हुआ अच्छा नहीं लगता। इस तरीके से कितना प्यारा सा लुक आया, कितनी बेहतरीन रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करना, अगर मज़ा आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आगे दोस्तों में भी शेयर करें। और आपके लाइक और शेयर हौसला अफजाई की हमें ख़ास ज़रूरत है। जज़ाकअल्लाह पूरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।